हाउ आर यू ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, गुड मॉर्निंग। सनलाइट पड़ रहा है और अभी बज रहे हैं 15 मिनट 9 के लिए और अभी हम हैं बस स्टैंड में। क्यों है नहीं बताते, चलो। हाँ, अब जा रहे हैं हम रेलवे स्टेशन, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है इसीलिए हम बस स्टैंड आ गए हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ से शुरू करेंगे हम जर्नी। तो देखते रहे हमारा ब्लॉग, कंटिन्यू कीजिए। क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, हमको भी नहीं मालूम। जैसे जैसे होगा हम आपको बताएंगे। सब कुछ रिकॉर्ड करने का पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो प्लीज़ माफ़ करेगा। तो देखते रहिए हमारा ब्लॉग। और अभी हमारा बस है तो बस में मिलते हैं। अभी बस स्टैंड में हम चढ़ गए हैं बस पर। देखिए अभी बस में ट्रैवल कर रहे हैं हम तो ट्रेन में जाने वाले थे, क्यों हम बस में जा रहे हैं आपको बता देती हूँ। जो प्रशांति ट्रेन है हमारा उड़ीसा का फ्रॉम बेंगलुरु टू भुवनेश्वर, वो अभी उसका टाइमिंग और ट्रेन भी रिशेड्यूल हो गया है। तो ये बेंगलुरु से अभी स्टार्ट नहीं होगी, वो स्टार्ट होगा प्रशांति नीलम, जो बेंगलुरु से 160 किलोमीटर अवे है, फार है। तो वहाँ से हमको जाना पड़ेगा, हम कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, इतना टाइट शेड्यूल में हम टिकट किए हैं, जो कि शादी के दिन ही हम पहुँचने वाले हैं। अभी ट्रेन भी रिशेड्यूल नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो बाद में टिकट करेंगे तो फिर नहीं पहुँच पाएंगे शादी में, इसलिए देखिए हम बस में ट्रैवल करके आके पहुंच गए हैं पुट्टपर्ति स्टेशन। यहाँ है पुट्टपर्ति स्टेशन और प्रशांति साई स्टेशन, साई नीलम। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, हम सोचे थे खाना जो है यहाँ पे हमको मिल जाएगा, लंच टाइम हो गया है पर नहीं मिला। ये लोग गए हैं खाना लाने के लिए, गए थे, देखिए खाना लेकर आए गए। हम सब उड़िया यहाँ मिल के खाना खा रहे हैं, बहुत ही बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा आने वाला था हमको पता नहीं था, हम सोचे इतना लेट हो गया, इतना दूर हो गया, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पर हम सब जो है उड़िया लोग मिल गए हैं। बस में बातचीत थोड़ा थोड़ा हुआ था पर यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ तो खाना नहीं मिलता है। जो जेंट्स लोग हैं हाँ, सब खाना लेने के लिए दो किलोमीटर या हाफ किलोमीटर गए खाना लेकर, सारे खाना लेकर आए मिल के। और हम जो लेडीज़ लोग हैं यहाँ पर सामान रख के बैठे थे, वो खाना लाने के बाद हम सब खाना खाए, बहुत मज़े किए। जो फ्रेंडशिप होता है ना, वो एक दिन में एक साथ में हो ही जाता है, इसे पता नहीं चलता है। बहुत ही बहुत इतना मज़ा आया, मैं कभी बिलीव भी नहीं की थी कि सबके जान पहचान नहीं है तो इतना मज़ा नहीं आएगा, हम किसके साथ बात करेंगे, क्या करेंगे। पर उड़िया उड़िया जो बाहर जाते हैं ना तो भाई भाई बन जाते हैं, ऐसा पता चला कि हम सब भाई भाई है और अच्छे से खाना खाए, मज़े करे, सब एक दूसरे का हेल्प किया और बहुत ही मज़ा आया। तो देखिए अब हम इतने सारे लोग क्यों इधर है पता है आपको सर? सबका ट्रेन जो है बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। लेट नहीं मतलब एक स्टेशन से आना था तो 3-4 स्टेशन के बाद वो वहाँ से शुरू होगा, तो हम सब वहाँ से जाएंगे। इतना मज़ा आया इस बार ट्रेन सफ़र में, मुझे कभी नहीं आया था, तो किसी पिकनिक से भी कम है। अगर 5-7 दिन के लिए किस होटल में किस जगह में घूमने के लिए जाओ तो इतना मज़ा नहीं आएगा। हर तरह से हर यहाँ से एक एक लोग आए थे तो हम सब मिल के खाए, मज़े करे, खुशी करे। और ट्रेन का टेंशन भी नहीं है, अभी नहीं आया है, हम स्टेशन से 3 घंटे से बैठे हैं यहाँ पर, तो और 1 घंटा बाकी है। तो हम यहाँ पर खेल रहे हैं, सब मज़े कर रहे हैं, सारे पूरा भरा पड़ा है, देखिए सब लोग यहीं वही ट्रेन के लिए आए हैं। नया जगह है तो किसी को भी पता नहीं था, तो इसलिए सब पहले आ गए थे और सब इतना मज़ा किए। और किसी को भी इंसानियत का नाम का कोई चीज़ होता है जो हम यहाँ देखने को मिला, सबको सब में इंसानियत है, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। कोई किसी को भी नहीं पहचानता था पर हम 3 घंटे से इतना बात कर रहे हैं, इतना खुशी मज़ा कर रहे हैं और साथ साथ भी खाए घूमे फिरे, बहुत मज़ा आया। पूरा जो लॉकडाउन का 1 साल का जो मतलब लग रहा था कि हम कैद हो गए ना, वो सब खुल गया है अभी।
पूरा मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। और बहुत अभी बहुत इतना सारा मज़ा शायद मैं 30 साल से नहीं किया। और अभी ट्रेन बोर्ड करने में थोड़ा एक घंटा बाकी है, तो हम यहाँ पे इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, इधर बैठे हैं। स्टेशन अभी मतलब स्टेशन में हैं पर ट्रेन में नहीं उतरे हैं, गए हैं, चढ़े हैं, तो हम मिलेंगे और एक स्टेशन में शायद लग रहा है, पर अभी दिन है तो बात कर रहे हैं, बाद में पता नहीं आपके साथ कब बात होगी, हो पाएगी कि नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे बात करें। यह है पुट्टपर्ती, जो सही नीलम होता है ना, वही स्टेशन, वो स्टेशन वो हम जाने के लिए उधर कोशिश कर रहे थे घूमने के लिए, पर अभी बंद है। 5:30 को खुलेगा, जो हमारा ट्रेन है 5:40 में है, तो हम नहीं गए, पर यहाँ पे घूम रहे हैं तो फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है। और पता नहीं कब हम फिर से आपसे बात होगी, तो अभी ही बोल रहे थे प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स अभी हम बैठ गए हैं ट्रेन में और मम्मी इधर सो गई है क्योंकि वो बहुत थक गई है सुबह सुबह काम करके, और वो सब देखो मम्मी कुछ बोलना चाहेंगी, बाद में आपके साथ बात करती हूँ। नींद आ गई है मुझे बहुत, तो आ गए हम ट्रेन में मेरी। कल कुछ व्लॉग ही नहीं हो पाया क्योंकि रात हो गया था, हम आके बहुत टायर्ड हो गए थे, दिन भर सो गए थे, और आज तो अभी सुबह हुआ है, देखो वो बर्ड वर्ड भी नहीं निकला है अभी तक। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाँ गुड मॉर्निंग। और अभी हम ब्रेकफास्ट कर लिए है, चाय हो गया है, ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, और अभी ब्रश करके सब बैठे हुए हैं और फिर भी टायर्डनेस नहीं गए। 12 hours 13 hours सो के उठ गई मैं, तो उठ गई कब से 6 बजे से, मैं 8 बजे उठी, तो अभी ट्रेन में है जा रहे हैं हम उड़ीसा, उड़ीसा जाने के बाद ही बात करेंगे आपके साथ। मेरे बेटे को यहाँ पे और एक दोस्त मिल गया था ट्रेन पे, बच्चे जो है अपने आप बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करते थे, तो इनका माँ बाप जो है उस दूसरी साइड में है, तो ये आ जाता है बेटा के साथ खेलने के लिए, दोनों अच्छे से अपने आप में मज़े किए, खेलने लगे, दिन भर तो मेरा टेंशन नहीं रहा, दोनों खाना खाने के बाद अच्छे से आराम से खेल रहे थे। तो मेरी बेटी जो है यहाँ पर बैठ रही थी, वो हर चीज़ का खाना जो खाता जो उसका मम्मी पापा देती थी तो ये लेकर आ जाता है हमारे पास, और ये उसको मेरे बेटे को खिलाता है, तो हमारे हम कुछ खाते तो ये भी खा हमारे साथ शेयर करके खाता है। मेरे हस्बैंड ने जो है वो एप्पल ब्रेकफास्ट किया, और बेटी ने कुछ इडली और सांभर लिया था ट्रेन का, मैं बिस्किट और चाय खा ली थी और कुछ नहीं खाई। ये देखिए उड़ीसा पहुंच गए हम, नेक्स्ट डे का सुबह हो गया तो उड़ीसा का पास आसपास हो गया है। यह है चिल्का लेक, हमारे उड़ीसा का बहुत बड़ा लेक है, यहाँ पे प्रॉन जो है बहुत अच्छा मिलता है। बात करते करते हम पहुंच गए हैं भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में अब देखे उतर गए हैं, उतरने के बाद अब हम जाएँगे हमारा घर जो कि भुवनेश्वर में है, तो भुवनेश्वर में अभी कार ओला बुक करके हम वहाँ पे जाएंगे जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी में है स्टेशन से। तो मेरा भाई आने वाला था लेने के लिए हमें, तो हमने मना कर दिया, वो कोरापुट से आ रहा है तो हमको लेकर जाने वाला था, तो हम 4 जन हैं तो नहीं होगा, और ये हस्बैंड भी बोले नहीं हम टायर्ड हो गए हैं, हम नहीं जाएँगे, यहाँ पर रुक के कल सुबह जाएँगे। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी हम जा रहे हैं, रेडी हो गए हैं, देखो रेडी हो गए और अभी जा रहे हैं, करीब 2-3 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा अभी। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर शादी वो सब हमारे घर में, मतलब मेरे माइक है, मेरे मम आपका माइक है क्या? अच्छा अच्छा वो घर, अच्छा अच्छा मेरे घर, हाँ। तो अभी हम जा रहे हैं और उधर जाकर मिलते हैं, लेट हो गया है, हाँ लेट हो गया, मैं आपके साथ बात करेंगे, बाय बाय। हम पहुंच गए हैं हमारे घर और कल हम जाएंगे शादी के लिए, लेकिन आज हम इधर रुकेंगे क्योंकि बहुत रात हो गई है और बहुत हम सब लोग बहुत टायर्ड हो गए हैं,
मैं मम्मी से मिलवाती हूँ, उनकी भी बहुत बुरी हालत है। देखो मेरा भाई भी तो बैठा है, वो कभी इतना चुप नहीं रहता जितना आज वो है, क्योंकि वो बहुत थक गया है। और मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। हाय फ्रेंड्स, पहली बार इतना थक गई हूँ कि आपको बता भी नहीं सकती हूँ। अभी आके पहुँच गए हैं हमारा घर, और अभी हम डिनर खाएंगे और सो जाएंगे। पता नहीं तो लाए से लेकर आ गए हैं, कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या डिनर है, क्या खा रहे हैं। सब खाना पड़ेगा और सोना पड़ेगा, वही हमारे हाँ जाके नहाना है और खाना है, और खाने के बाद सो जाएंगे। और कल फिर सफ़र करना है, और 60 किलोमीटर हमारे घर के यहाँ जहाँ शादी हो रही है मेरे भाई की। और पता नहीं आगे ब्लॉगिंग हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। और हम मिलेंगे कल जब हम सफ़र कर रहे हैं, हम अपना पूरा सफ़र दिखाएंगे। और हम मिलेंगे एक और वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर टू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट सस्मिता प्लीज़। हम इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, पहली बार हम इतना टायर्ड है फिर भी इतना बोल रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इस मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और ये हमारा घर, और जो चाबी लेने के लिए इनके पापा गए हैं, और पेशेंस नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। तो ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। टिल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज स्माइल सस्मिता। और हम मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय एंड गुड नाइट। बहुत हो गया ने फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। हां गुड मॉर्निंग। और अभी हम जा रहे हैं, रेडी हो गए हैं। देखो रेडी हो गए और अभी जा रहे हैं। करीब 2-3 घंटा लगेगा। 2 घंटा लगेगा अभी। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर शादी वो सब हमारे घर में, मतलब मेरे माइक है, मेरे मम आपका माइका yeah. अच्छा वो घर, अच्छा मेरे घर। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं और उधर जाकर मिलते हैं। लेट हो गया है। हाँ लेट हो गया है, आपके साथ बात करेंगे। बाय बाय। अभी मैं जा रही हूँ मायका। हाँ मेरे मायका जाने का खुशी, मायके जाने का खुशी तो सबको होता है, इसलिए मुझे भी बहुत खुश लग रही है। अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ के पानी हवा और मिट्टी का जो खुशी मिलता है देखने के बाद, और कहीं पे भी नहीं होता है। चलिए यहाँ घर जाने के बाद, आज तो शादी है तो बहुत बिजी हो जाऊँगी। सोच रही हूँ वहाँ पर यहीं पर ब्लॉग मेरे एंड करने के लिए, बाद में आपके साथ और कुछ शादी का रस्म जो है दिखाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ स्माइल विद सस्मिता। प्लीज़ देखते रहिए हमारा ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।